नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे एक फेमस पोएट पोएम की, जिसका नाम है होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड। ये रॉबर्ट ब्रॉइंग द्वारा लिखा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जो पूछा जा रहा है अभी झारखंड का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ज़रूरत है। और ये और भी अपडेट मैं आपको इस तरह के देता रहूँगा, तो प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपको दोस्त आप देख दोस्तों कि होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, ये है रॉबर्ट ब्राउन जी का, और ये हम आज इसकी बात करेंगे। आप पूरा पोएम आप मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पोएम ये है, आपने तो पढ़ा ही होगा। मैं आपको पूरा पोएम ये देख रहे हैं, और अगर आप मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, ये रहा पोएम पूरा। आप पॉज करके इसे वीडियो में देख सकते हैं कि क्या इस बोला जा रहा है। तो मैं आपको इसका समरी समझाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली है ये पोएम, क्योंकि पोएम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं समरी क्या है। तो समरी है दोस्तों ये होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड। होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड ये जो पोएम का नाम है, सेलिब्रेट द एवरीडे एंड द डोमेस्टिक टेकिंग द फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिरिक। देखिए इसका मतलब है, होम थॉट्स एक कहानी है जिसमें कवि सेलिब्रेट करता हर एक दिन अपने डोमेस्टिक, मतलब अपने घर के आसपास की मतलब चीज़ों को मिस करता है, और एक शॉर्ट लिरिक्स के माध्यम से उन्होंने एक पोएम को लिखा है। द पोएट कास्ट हिमसेल्फ द रोल ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवलर, मतलब अपने आप को वो डोमेस्टिक ट्रैवलर कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलर जो मतलब दोस्तों अपने मतलब घर के आसपास जैसा माहौल हमेशा चाहता है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रैवलर। होमसिक ट्रैवलर बोलते हैं उसको। तो ये वैसे ही ट्रेवलर हैं जो जहाँ जाते हैं उस अपने माहौल के जैसे चाहते हैं। लुकिंग फॉर एवरी डिटेल फॉर हिज बिलव्ड होम, तो वही बोल अपने घर के आसपास जैसे हर एक बिलोंगिंग को चाहते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर ब्राउन हैज स्पेंट क्वाइट ऑफ हिज टाइम्स इन इटली, सो परहैप द लॉन्गिंग ऑफ इंग्लैंड। मतलब ब्राउन जी जो है पोएट हैं, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा समय इटली में बिता चुके हैं। सो उनको अपने इंग्लैंड के वो वासी हैं, सो परहैप्स, और वो इंग्लैंड के जो ज्योग्राफिकल, आप देख सकते हैं इंग्लैंड हैज़ ए बिट ऑफ ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल अर्जेंसी अटैच्ड टू इट। ज्योग्राफिकल अर्जेंसी मतलब दोस्तों कि ये ज्योग्राफी आप जान सकते हैं, हमारे ज्योग्राफी और अर्जेंसी मतलब ज़रूरत, मतलब ज्योग्राफिकल ज़रूरत जो उनको इंग्लैंड में मिलता था, उस वही तरह की वो चाहते थे कि वो जहाँ जाए वहाँ मिले। वो फिलहाल इटली में रहते हैं। जो तो ये बायोग्राफिकल अर्जेंसी का मतलब आपको मैंने बताया, वही होगा, बायोग्राफिकल हो या ज्योग्राफिकल दोनों सेम ही है। और द पोएम डिस्क्राइब्स अ टिपिकल स्प्रिंग टाइम स्कैन इन इंग्लिश कंट्री साइड। तो कवि यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं टिपिकल स्प्रिंग, वसंत ऋतु का जो इंग्लैंड में होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो इंग्लैंड में होता है विद बर्ड सिंगिंग फ्लावर्स ब्लोइंग, जो वहाँ के पंछी जिस तरह गाते हैं फ्लावर्स ब्लोइंग खिलते हैं, उस तरह की बातें वो यहाँ भी करना चाहते हैं। ब्राउन ट्राइज टू मेक द ऑर्डिनरी मैजिकल एज ही डिस्क्राइब द थ्रस एबिलिटी। देखिए ब्राउन जी जो मतलब ऑर्डिनरी एक मैजिक चाहते हैं, मतलब किसी तरह जादुई, जिसके कारण वो थ्रस्ट एबिलिटी, ये जो यहाँ थ्रस्ट एबिलिटी या थ्रस्ट का मीनिंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस जो उनका सॉन्ग थ्रस्ट एबिलिटी टू रिक्रिएट द ट्रांसजेंडर सॉन्ग। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उनका पुराना सॉन्ग है, मतलब ट्रांसजेंडर जो हमेशा चलते आया, उसी के अनुसार वो चाहते हैं कि कोई जादू हो और उस वैसा ही वो हो जाए जिस तरह वो जहाँ जाते हैं, और वे हमेशा इस तरह मतलब उसी तरह गाते रहें ओवर एंड ओवर टाइम। यही दोस्तों यही मतलब है। तो यही है दोस्तों समरी, और इसमें कुछ खास तो पूछा जाएगा आपको नहीं, लेकिन कुछ कैरेक्टर आप जान याद रख लें। ब्राउन जी मतलब इटली में रहे हैं जैसे कि, और इंग्लैंड के वो हैं, और उसी तरह की ज्योग्राफिकल और बायोग्राफिकल अर्जेंसी चाहते हैं जहाँ जाते हैं, और अपने कंट्री की बात करते हैं, वहाँ के पंछी फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं, और वो एक मतलब अपने पुश्तैनी मतलब गाने की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर सॉन्ग को चेंज करना चाहते हैं, मतलब टू रिक्रिएट अपने हिसाब से, और हमेशा की तरह ओवर एंड ओवर अगेन। तो यही है दोस्तों।
और प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी अपडेट में इस तरह आपको देता रहूँ। धन्यवाद।